भूल भुलैया 3 का बजट 150 करोड़ बताया जा रहा है, पर हैरानी की बात तो ये है कि इसमें से 50 करोड़ से भी ज्यादा एक्टर एक्ट्रेस की फीस है। तो चलो जल्दी से पता कर लेते हैं इनकी फीस, पर उससे पहले अगर आप भी कार्तिक आर्यन के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले कम फीस वाले एक्टर्स की बात कर लेते हैं। फिल्म में सबसे कम फीस तृप्ति दिमरी को मिली है, जो बस 80 लाख रुपए है। फिल्म में इस बार नई एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की एंट्री हुई है, उन्होंने इस रोल के लिए चार्ज किए हैं 5 से 8 करोड़ रुपए। अब फिल्म में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स की बात कर लेते हैं। भूल भुलैया पार्ट 1 में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सबको इंप्रेस करने वाली विद्या बालन एक बार फिर से भूल भुलैया 3 में मंजुलेखा के रोल में नजर आएंगी। इसके लिए उन्होंने 8 से 10 करोड़ रुपए लिए हैं। और फिल्म के लीड एक्टर कार्तिक आर्यन पार्ट 2 के बाद एक बार फिर से रूबाबा का रोल करने वाले हैं, और इस बार उन्होंने इस रोल के लिए अपनी फीस काफी ज्यादा बढ़ाकर चार्ज किए हैं 40 से 45 करोड़ रुपए। वैसे क्या भूल भुलैया 3 का ट्रेलर देखने के बाद आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड है, कमेंट में जरूर बता देना।